इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से लड़ने के लिए अमेरिका की सेना अपने एयरफोर्स के साथ इस मिशन पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर इनका कैप्टन फोर मिशन के बारे में कुछ जानकारी देता है और ये सब लोग अब फ्रांस जा रहे थे, जहाँ पर फ्रांस के एक शहर पर जर्मनी ने अपना पूरा कब्जा कर रखा था और वहाँ के एक चर्च पर जर्मनी ने अपना रेडियो कम्युनिकेशन टावर लगा रखा है जो कि एक जैमर की तरह काम कर रहा था। यानी कि जब तक वो टावर वहाँ रहेगा तो ये लोग युद्ध नहीं लड़ सकते और ये सभी सैनिक उस टावर को गिनाने जा रहे होते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इन्हें आगे जाकर एक और सच्चाई का सामना करना होगा, जिसे देखने के बाद इन लोग के होश उड़ जाते हैं और इनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। खैर, अब ये सभी लोग अपनी लोकेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और इनके प्लेन पर अचानक से हमला होने लगता है। प्लेन में आग लग जाती है और वो गिरने लगता है, जिसके चलते ये सभी लोग प्लेन से जंप कर देते हैं। प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर बॉयज को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आता है, क्योंकि वो पानी में गिरा होता है, इसी वजह से उसकी जान बच जाती पर उसके सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। अब इसके बाद एडवर्ड अपने साथियों को ढूंढने लग जाता है, तभी एडवर्ड का दोस्त वहाँ पर फोल्ड आ जाता है। अब ये बसते हुए जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर तीन इनके साथी और इन्हें मिल जाते हैं। अब ये पांचों लोग उस टावर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी इनमें से एक साथी का लैंडमाइन के ऊपर पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और इनके साथी की जान चली जाती है। ये देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं। अब उसके पास चार साथी बचे थे, इन सभी को जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना था, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी इन लोग को जंगल में एक लड़की मिलती है जो मरे हुए युद्ध में सैनिकों का सामान चुरा रही थी। अब कोल्पर्ड और फोल्ड उस लड़की से पूछताछ करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम क्रोई है और ये भी जर्मन सैनिकों से नफरत करती है, इसीलिए वो सब सैनिक को अपने घर पर ले जाती है और उसके इस घर में उसका एक छोटा भाई पोल और उसकी एक आंटी रहती है। और अब हम देखते हैं कि कैप्टन फोल्ड उस टावर का पता लगाने के लिए, उसका रास्ता ढूंढने के लिए अपने दो साथियों को उस टावर के पास भेजता है और वो खुद ग्लोई से उस टावर के बारे में पता करता है। तो ग्लोई उससे कहती है वो टावर एक चर्च के ऊपर बना है, पर पता नहीं क्यों किसी को भी उस चर्च के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्लोई के कमरे में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जहां पर एडवर्ड आगे जाकर उन आवाजों को चेक करता है तो उसे वहां पर एक औरत दिखती है और उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से सड़ा हुआ था, वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। तभी ग्लोई एडवर्ड के पास आती है, उसे बताती है कि ये मेरी आंटी है और उनकी ये हालत चर्च में जाने से हुई है, शायद वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही वो एडवर्ड को बताती है कि इन्हीं जर्मन सैनिकों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था। और तभी क्रोई के घर में जर्मन कैप्टन आता है, जिसकी क्रोई पर गलत नजरें भी होती हैं। वो क्रोई से बातें करते हुए अपने कपड़े निकालने लगता है। वो क्लोई के साथ एंट्री मेट होना चाहता था, क्योंकि क्रोई ने उसके साथ एक सौदा किया था कि अगर वो चर्च से उसकी आंटी को वापस लाने में मदद करेगा तो वो उसकी शारीरिक शर्तों को पूरा करेगी, और इसी बात का फायदा उठाकर जर्मन कैप्टन क्रोई के साथ गलत काम किया करता था। लेकिन आज क्रोई जर्मन कैप्टन को ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि आज उसके घर में और भी लोग थे जिसे क्रोई ने ऊपर छिपा दिया था, वो ऊपर से देख रहे थे। ये बात क्रोई को पता थी, लेकिन वो जर्मन कैप्टन क्रोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ऐसा करते हुए कैप्टन फोल्ड और एडवर्ड ऊपर की मंजिल से देख रहे थे। ऐसा करते हुए एडवर्ड उस जर्मन कैप्टन को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है, फिर कैप्टन फोल्ड आकर उसे रस्सी से बांध देता है। इसके बाद एडवर्ड अपने उन दो साथियों को पता लगाने के लिए जाता है जो कि टावर के पास गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। पर तभी अचानक से जर्मन सैनिक का उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, वो उससे बचने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और अब एडवर्ड इस ट्रक का मंजर देखकर पूरी तरीके से डर जाता है और वो देखता है ये ट्रक के अंदर तो लाशों का ढेर भरा हुआ है और ये लाशें चर्च में ले जाई जा रही थी। एडवर्ड इस लाशों से छिपता हुआ किसी तरह इस चर्च के अंदर पहुंच जाता है और अब आगे जो होता है वो इतना भयानक होता है, जिसे देखकर एडवर्ड के भी होश उड़ जाते हैं। एडवर्ड जब अंदर घुसता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक रिसर्च लैब बनी हुई है और यहाँ पर लोगों के जिंदा और मुर्दा शरीर पड़े हुए हैं और वो आगे जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है और यहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोगों को बांधकर बैग में यहाँ पर लटकाया गया है और उनके शरीर से एक लाल रंग का लिक्विड निकल रहा था जिसे रिफाइंड किया जा रहा था। और आगे एडवर्ड को कुछ लिक्विड से भरे इंजेक्शन भी दिखाई देते हैं और उन इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन एडवर्ड अपने पास रख लेता है और यहाँ पर एडवर्ड उन दो बैग में से किसी एक बैग को खोलता है तो उसमें जिंदा एक इंसान का शरीर होता है, लेकिन वो आदमी पूरी तरीके से गल चुका था और वो अभी भी जिंदा और बैग में हिल रहा था। अब एडवर्ड जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे एक औरत की गर्दन मिलती है और ये औरत जिंदा थी और बोल रही थी, पर इसके नीचे का शरीर बिल्कुल नहीं था। ये देखकर एडवर्ड बहुत ही डर जाता है और वहाँ पर बने गटर के रास्ते से वो खुद को और अपने एक दोस्त को जिसे यहाँ पर पकड़ कर रखा था वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और एडवर्ड क्रोई और कैप्टन फोल्ड के पास पहुंच जाता है और जो जो इसने वहां देखा वो सारी बात कैप्टन फोल्ड को बताता है। कैप्टन फोल्ड ये
बात सुनकर चौंक जाते हैं कि आखिर इतना भयानक चर्च में चल क्या रहा है। यही जानने के लिए कैप्टन फोल्ड अपने साथी कीबर्ट को ऊपर भेजता है, उस जर्मन कैप्टन को लाने के लिए कहता है जिन्हें इन लोगों ने बांध के रखा था। यहाँ पर कीबर्ट जब उसे चेक करता है तो वो पाता है कि ये तो यहाँ पर बेहोश पड़ा है। उसे होश में लाने के लिए कीबर्ट जैसे ही उस रस्सी को खोलता है तो वो उसे गोली मार देता है, और गोली की आवाज सुन के कैप्टन फोल्ड और उसके बाकी के साथी ऊपर आते हैं और वो देखते हैं कि कीबर्ट के गोली लगी है और उसकी जान चली जाती है। ये देखकर एडवर्ड बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। इसके बाद एडवर्ड जो रिसर्च से इंजेक्शन लाया होता है वो जल्दी से कीबर्ट के लगा देता है, वो कीबर्ट फिर से जिंदा हो जाता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि कीबर्ट के शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी है और उसकी नसें फूलने लग गई हैं। वो अपनी इतनी ज्यादा पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने साथियों पर ही हमला करने लगता है। ये देखकर कैप्टन फोल्ड कीबर्ट के ऊपर गोली चलाने लगता है पर उस पर कोई गोलियों का असर नहीं होता। अब एडवर्ड समझ आता है कि ये उनका कीबर्ट नहीं है, इसीलिए एडवर्ड अपनी गन से उसके ऊपर कई बार वार करता है, उसके सिर पे कई बार वार करता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। और इसी का फायदा उठाकर वो जर्मन कैप्टन क्रोई के छोटे भाई को उठाकर वहां से भागने लगता है, और कैप्टन फोर्ड और उसके बाकी के साथी उसका पीछा करके उसके ऊपर गोली चलाते हैं और एक गोली जर्मन कैप्टन के सिर पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वो यहां से भाग जाता है। और इसके बाद कैप्टन फोर्ड अपने सभी साथियों को ऑर्डर कहता है और कहता है कि मैं जल्द ही वो टावर गिराना होगा क्योंकि हम जिस काम के लिए आए उसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना होगा, और अपने इस काम में वो क्लोई का भी उसका साथ देने के लिए कहते हैं। लेकिन एडवर्ड कहता है कि हमें चर्च के नीचे बने लैब के ऊपर हमला करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता था कि उस चर्च के नीचे एक लैब भी है, क्योंकि एडवर्ड को उस लैब तक जाने का रास्ता पता होता है। इसीलिए ये सभी लोग उस लैब पर हमला करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ वो जर्मन एक लैब में पहुंच जाता है। वो यहां आकर सबसे पहले वो इंजेक्शन को अपने आप को लगा देता है जो कि वो एक केमिकल से बना है, और वो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका यूज करके इंसानी शरीर को कुछ ऐसा बना दिया जाता है जिससे उस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता है। और इसी केमिकल इंजेक्शन की मदद से जर्मन सैनिकों ने उन लाशों पर ये इंजेक्शन लगा के एक्सपेरिमेंट करके और उनके ऊपर कुछ इस तरह की एक सह तैयार कर दी थी जो कि कभी नहीं मरेंगे, और जो मरे हुए सैनिक हैं उनके ऊपर भी ये इंजेक्शन लगाकर उन्हें भी जिंदा कर दिया जाए। और इसके बाद हमें फोल्ड डाउन के सभी साथियों को दिखाया जाता है जिनका प्लान पूरी तरह से तैयार था, और अभी सभी लोग उस लैब के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद इन लोग की जर्मन सैनिकों के साथ एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इसके बाद कैप्टन फोल्ड इस रेडियो में एक कैंप के ऊपर बम लगाता है और दूसरी तरफ एडवर्ड इस रिसर्च लैब में बम लगाता है। तभी अचानक से कैप्टन फोल्ड का सामना उन्हीं जर्मन कैप्टन के साथ हो जाता है जिसे कि पहले इन लोगों ने बांधा था, लेकिन इस सोल्जर ने अपने शरीर को इंजेक्शन लगा के बहुत ही पावरफुल बना लिया है जिससे कि कैप्टन फोल्ड उससे मुकाबला नहीं कर सकता था, और जर्मन कैप्टन फोल्ड को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये देखकर कैप्टन फोल्ड भी अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है, और अब इन दोनों के बीच बराबर की लड़ाई होने लगती है। और दूसरी तरफ हमें क्रोई को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढने में लगी होती है। एडवर्ड उसकी मदद कर रहा था तभी अचानक से क्रोई को पोल मिल जाता है, और इसके बाद वो अपने भाई को लेकर यहाँ से भागने लगती है, पर तभी अचानक से सामने से एक आदमी आता है जिसका पूरा शरीर सड़ा हुआ होता है जिसको वो इंजेक्शन लगाया गया था। वो क्लोई के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों की फाइट होती है, बाद में क्लोई उसे मार देती है। और दूसरी तरफ हमें जर्मन और फोल्ड को दिखाया जाता है जिसकी फाइट हो रही थी। तभी यहाँ पर एडवर्ड आ जाता है, पास में सिलेंडर पड़ा होता है, उसके ऊपर वो गोली मार देता है क्योंकि इस इंजेक्शन से बने जोम्बी के सिर पर या उसे आग से ही खत्म किया जा सकता था, तो वो सिलेंडर की आग से जर्मन सोल्जर को मार देता है और फोल्ड को भी बचा लेता है। लेकिन फोल्ड एडवर्ड से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए और वो इस लैब को पूरी तरीके से बम से उड़ा दे क्योंकि फोल्ड ने वो इंजेक्शन लगा लिया था, जिसका मतलब था कि अब फोल्ड को भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। और आगे में दिखाया जाता है कि गोलीबारी के बीच में क्लोई का भाई पोल फंस जाता है और जैसे जैसे एडवर्ड के पास पहुंच जाता है तो चेस उसे बताने की कोशिश करता है पर उसे भी गोली लग जाती है। और अब हम आगे देखते हैं कि लैब से वो बहुत सारे सड़े हुए जॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं जो कि इस लैब में जर्मन द्वारा तैयार किए गए थे, जो कि कभी ना बनने वाले सैनिक थे, उसे सिर्फ आग से ही मारा जा सकता था। तो इसीलिए आगे एडवर्ड पूरे चर्च को बम से उड़ा देता है। और अब हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक भी मारे गए थे और शहर में जितने भी घर होते हैं उन घरों से सब लोग बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो लोग अब आजाद हो चुके थे और ये सभी अमेरिकन सैनिक अपना मिशन पूरा करके खुश थे। खैर, अब वापस जाने से पहले एडवर्ड से एक ऑफिसर उससे इस लैब के बारे में पूछता है तो बताता है कि वहाँ पर कोई भी लैब नहीं था, उसे ऐसा करने के लिए फोल्ड ने कहा था क्योंकि इस केमिकल के बारे में बाहर किसी देश को पता चल जाता तो हर देश अपनी आर्मी बनाने के लिए ऐसी कोशिश करता जिसे कभी मारा ना जा सकता था, वो बायस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी 2018 में आई ओवरलोड फिल्म की कहानी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो
वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं हम आपको हमारी अगली वीडियो में।